हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस लोग क्रिएट करना सीखना है तो सिंपल सा इस लोग को पूरा देख लें। आपको स्टेप बाय स्टेप बदलो आप इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आपको इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस लोग बनाने वो टेम्पलेट की जरूरत पड़े तो आपको सिंपल, अगर आपको इस वीडियो के टाइटल पर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे दिखा देगा टेम्पलेट डाउनलोड लिंक, तो फ्रेंड आपको सिंपल सा टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। और टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक कर दिए आप डायरेक्ट ईवी प्लेयर एप्लीकेशन पर चले जाएंगे। चलो ईवी प्लेयर एप्लीकेशन ओपन करके दिखा आपको कैसे दिखाई देगा। बट ईवी प्लेयर एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको इस तरह से नहीं दिखा, आपको सिंपल जगह आपको जो ऊपर बॉक्स है आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और इस बॉक्स पर क्लिक करने पर आपको इस तरह से आपके ओल्ड टेम्पलेट, तो फ्रेंड आपको सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको नीचे से सेकंड नंबर ऑप्शन दिखाएगा लोड फ्रॉम फाइल। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और आपने जो भी टेम्पलेट डाउनलोड किए तो सिंपल सा टेम्पलेट को यहाँ पर लोड कर देना है और लोड करने वाले लास्ट का बॉक्स आपको कोई इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको सिंपल इस बॉक्स पर क्लिक कर देना तो आपके सामने कोई इस तरह से आ जाएगा। तो फ्रेंड चलो आपको दिखाता बेसिक सेटिंग्स। तो फ्रेंड आपको सिंपल जगह आपको जो ऊपर पेंसिल का आइकन दिखाता है आपको उस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करा फर्स्ट पर ऑडियो पॉड है तो आपको सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर दिखाता है ऐड इमेज। तो आपको ऐड इमेज पर क्लिक करना है और ऐड इमेज पर क्लिक करा और राइट से जनरेट इमेज का ऑप्शन दिखा आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कस्टम इमेज पर क्लिक करना, उसके बाद नीचे आना है तो आपको दिख रहा है पीके इमेज। सो फ्रेंड, मैंने जो इमेज उसके अगर आप उस इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी डाउनलोड लिंक आपको उस लोग के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सिंपल सा उस इमेज को डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। अगर आप अपनी खुद की इमेज लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। तो चलो मैं उस इमेज को ऐड कर लेता हूं। मैंने इमेज को ऐड कर लिया तो आपको भी सिंपल इमेज ऐड कर लेना और उसके बाद आपको करना है ऊपर जो जनरल का ऑप्शन दिया आपको उस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करें आपको इस तरह अनविजिबल तो आपको सिंपल इसको विजिबल कर देना है। तो फ्रेंड हम जो इमेज है यहाँ पर ऐड हो चुकी है तो आपको भी सिंपल इस तरह कर लेना है। और इसके बाद में आपने जो ऊपर अलाउन का जो टेक्स्ट पेंज देखा था फ्रेंड्स, आप उस टेक्स्ट पेंज को आप ऐड करेंगे तो आपको सिंपल जगह आपको यहाँ पर नीचे आना है तो आपको दिख रहा है टेक्स्ट पेंज इमेज। तो आपको इस इमेज पर क्लिक करना है और इस इमेज पर क्लिक करना है, राइट साइड जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने कोई इस तरह अनविजिबल तो आपको सिंपल इसको विजिबल कर देना है। तो फ्रेंड हमें जो अलाउन की टेक्स्ट पेंज यहाँ पर ऐड हो चुकी है तो आपको भी सिंपल इस तरह कर लेना है। तो फ्रेंड हमें बेसिक सेटिंग पूरी हो चुकी है, चलो जैसे बैक आ जाते हैं। तो फ्रेंड हमें टेक्स्ट पूरी से बन चुका है तो अभी हमको अभी सॉन्ग ऐड करना होगा। तो सॉन्ग ऐड करने का सिंपल जगह क्या करना है, आपको जो कॉर्नर पर तीन डॉट दिखा आपको उस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, ऊपर दिख रहा है लाइव का ऑप्शन तो आपको उस पर क्लिक करना है। और मैंने आपने जो भी सॉन्ग है रिंगटोन डाउनलोड करके रखा हो तो सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से तीन डॉट पर क्लिक करना है, ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है उसे आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हमारा टेटस पूरी तरह से अभी बन चुका है तो अब इसको एक्सपोर्ट करना हो तो इसको एक्सपोर्ट करना है सिंपल जगह है। मैंने आपको जो कॉर्नर पर डाउनलोड करके अंदर आप उस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करना है, आपको सिंपल सा नीचे ना तो आपके लास्ट में दिख रहा है एक्सपोर्ट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड पूरा गोल जो है अपनी गैलरी में से हो जाता है।